हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करेले की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए हमने चार बड़ा करेले लिए हैं, जिसको अच्छी तरह से धोकर हम लंबे लंबे पीस में काट दिए हैं। और यहाँ पे हम एक आम लिए हैं कच्चा, उसको भी लंबे लंबे पीसेस में काट दिए हैं। आप चाहें तो आप जैसा अनुसार अपना अनुसार आप इसे काट सकते हैं। और चार हम बड़ा प्याज काट लिए हैं लंबे लंबे पीसेस में, धोकर हम छील लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करेले की सब्जी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बनाने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेले। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो करेले को हम उबालेंगे 7 से 8 मिनट के लिए पानी में, ताकि इसका जो कड़वाहट है और तीखापन है तो थोड़ा निकल जाएगा, हल्का हो जाएगा और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड है तो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे हम उबाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पानी गर्म करने के लिए दे दिए हैं, तो हल्का पानी गर्म हो गया है, तो इसमें हम करेली सारा ऐड कर देते हैं और कुछ देर के लिए हम इसे उबालेंगे, ताकि इसका जो भी कड़वाहट है ये सारा निकल जाए और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। मेरा ये 7 से 8 मिनट के लिए इसे हम उबाले हैं, तो ये हो गया है, तो इसको हम अब निकाल देते हैं, गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं छान कर एक अलग प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम उबाल लिए हैं, अब चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का हो गया है, तो चलिए अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं इसका करेला का। तो फ्रेंड्स, करेले की सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए दे दिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सरसों का तेल ले रहे हैं और करेले की सब्जी में थोड़ा विशेष तेल लगता है। आप चाहें तो कोई भी और भी तेल ले सकते हैं, पर करेले की सब्जी में सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेल हमारा गरम हो गया है फ्रेंड्स, तो इसमें हम मेथी डालेंगे फोरन में और जीरा डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1 pinch ऑफ हींग भी डाल सकते हैं, पर हम नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम करेला जो उबाल के रखे थे वो ऐड कर देते हैं इसमें सारा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नमक डाल रहे हैं, नमक हम आधा चम्मच से थोड़ा भी पीस डाले हैं, आप अपना अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे, इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। इसे हम ढककर इसे भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी नहीं डालेंगे, ऐसे धीमी आंच में सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हल्का मतलब सॉफ्ट होने लगा है ये, और इसे इस तरह से हम ढक ढक के प्लेट से हम सब्जी बनाएंगे, ताकि ये जल्दी थोड़ा सीखे। इसे फिर से हम दोबारा से हम ढक देते हैं फ्रेंड्स।
इसको अब ढकेंगे नहीं, अब इसी तरह से हम इसको भूंजेंगे धीमी आंच पे एंड इसे हम ब्राउन होने तक भूंजेंगे धीमी आंच पे ताकि और भी सॉफ्ट हो जाइए। फ्रेंड्स इस टाइम हम मसाला ऐड कर देंगे, इसमें ज़्यादा मसाला तो लगता नहीं है, इसमें हम मसाला ऐड कर देते हैं। यहाँ पे धनिया ऐड कर देते हैं, धनिया थोड़ा इसमें विशेष लगता है, धनिया पाउडर। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच ला धनिया पाउडर यूज करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। करेली की सब्जी में फ्रेंड्स और कोई मसाला की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ खासकर इसमें हम धनिया पाउडर ज़्यादा यूज होता है। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं और ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको इच्छा है जिस तरह से। और इसे हम धीमी आँच पर ही हम इसे भूंजेंगे। थोड़ा सा हम जीरा पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, ये आपको पसंद नहीं है तो ये भी स्किप कर सकते हैं आप। बेसिक इसमें धनिया पाउडर ही यूज होता है फ्रेंड्स और कुछ मसाला यूज नहीं होता है। अब इसे हम धीमी आंच पे थोड़ा देर और भूनेंगे, 10 से 15 मिनट मसाला को। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है और ब्राउन होने लगा है, तो इस टाइम हम आम जो काट के रखे थे कच्चा आम वो भी ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास कच्चा आम ना मिले इस टाइम, अगर किसी टाइम अगर बनाए सीजनली ना मिले कच्चा आम, तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाए हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, वो भी डाल सकते हैं। किसी भी सीजन में आप करेली की सब्जी खा सकते हैं। और ये 5-6 मिनट और लगेगा, सॉफ्ट होगा थोड़ा आम, धीमी आंच कर दिए हम और करेली दम रेडी हो गया है, बस आम थोड़ा ये सॉफ्ट होने भर देरी है। देखिए करेली दम रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स आम अच्छी तरह से गल गया है और यहाँ पे करेला भी अच्छी तरह से गल गया है और ये मेरा सब्जी भी रेडी हो गया बनकर, तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं अब सब्जी। तो चलिए हम निकाल कर आपको प्लेट में दिखाते हैं फ्रेंड्स कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स करेली की सब्जी बन गया है और बहुत इजली बना करेली की सब्जी और बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं और ये 2 से 3 दिन भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, आप इसे फ्रीजर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली और दोस्त के साथ। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड।